भाइयों को मेरा नमस्कार। ये मिलिट्री फार्म 1889 से लगातार थल सेना की सेवा में मिलिट्री फार्म लगातार कार्य कर रहा है, जो कि बहुत दुर्गम स्थिति से गुजरते हुए आर्मी के जवानों को दूध पैदा करके दे रहा है, बॉर्डर तक पहुंचा रहा है। लेकिन फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिफेंस मिनिस्टर ने इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा। हमारा जो वर्कर है सुबह 4 बजे से उठता है और रात को 11 बजे से पहले नहीं सो पाता। लगातार 14-14 घंटे कार्य करके भी उसे क्या मिला? बेघर होते हुए भी आज देखो 15 मिलिट्री फार्म जो कि टूट चुके हैं, वहाँ के एम्प्लॉय बेघर हो गए हैं। और कच्चे कर्मचारियों के बारे में सोचा नहीं जा रहा है, जिनके बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। बताइए कि मार्च से पहले कहाँ पर एडजस्टमेंट होंगे? ये बड़े दुख की बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो वर्तमान में सरकार है वो कुछ भी ध्यान नहीं कर रही है। कच्चे कर्मचारियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रही है, जो कि बहुत अन्याय है, और जानवरों के साथ उससे भी ज़्यादा अन्याय है। क्योंकि आप लोग देखते हो कि सभी जगह जहाँ पर गली मोहल्ले में आवारा पशु हैं, सरकार बड़े बड़े वायदे करती है कि इन जानवरों को वहाँ पर स्थित कर दिया जाएगा। लेकिन अभी आपने राजस्थान का देखा होगा हाल की, वहाँ के गौशाला में कई हजार जानवर मर गए। ये बड़े दुखद की बात है। सरकार वादे तो कर लेती है लेकिन उनका समाधान नहीं कर पाती, जो कि ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मेरा अनुरोध है भारत सरकार से कि हमारे जो जानवर हैं इनको अभी भी सही तरीके से व्यवस्थित करके मिलिट्री फार्म को फिर दोबारा ऑर्गेनाइज किया जाए, ताकि हम भारतीय सेना को लगातार दूध प्रदान करते रहें और मिलिट्री फार्म का नाम हमेशा चलता रहे। जय हिंद, जय भारत।